माननीय मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी अने माननीय नायब मुख्यमंत्री श्री नितिन भाई पटेल द्वारा आज एक महत्वनो निर्णय लेवामां आवेल छे कि राज्य में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट एटले कि राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा धारो ए अंतर्गत 66 लाख जेटला कार्ड धारको गरीब मध्यम वर्ग श्रमजीवी बांधकाम मजूरो एवा एनएफएसए हेठळ पात्रता धरावता 66 लाख जेटला कुटुंबों ने परम दिवस एटले कि सोमवार थी एमना एकाउंट में 1,000 रुपया जमा करावानी शुरुआत करवामां आवशे। थोड़ा दिवस पहला माननीय मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी द्वारा एवी जाहेरात करवामां आवी हती कि लॉकडाउन दरमियान गरीब श्रमजीवी बांधकाम मजूर एवा लोको जेनी रोजी रोटी अफेक्टेड थई छे एवा 66 लाख कुटुंबों ने एप्रिल मास माटे रुपया 1,000 नी सहाय वधारानी राज्य सरकार करशे अने आ रकम जमा करावानी शुरुआत परम दिवस एटले कि सोमवार थी शुरू करवानुं छे। लोकोने आ रकम सीधे एमना खातामां जमा करावामां आवशे। आ रकम मेळवा माटे कोई पण प्रकारनी फॉर्मेलिटी करवानी रहेशे नहीं, कोई पण जातना फॉर्म भरवाना रहेशे नहीं। अमारी पासे जे डेटाबेस मौजूद छे सरकारशी ए डेटाबेसना आधारे सीधे सीधे लाभार्थी कुटुंबना अकाउंटमां 1,000 रुपया सोमवारथी जमा थाय ते रीतनुं आयोजन सुंदर रीते करवामां आवेल छे। अने आम करवाथी राज्य सरकार उपर वधारानो रुपया 660 करोड़ नो भारण आवशे अने आ 660 करोड़ रुपया ना माध्यम थी राज्यना 66 लाख जेटला एनएफएसए कार्ड धरावता गरीब श्रमजीवी बांधकाम अने मध्यम वर्गना लोकोने घणी राहत थशे। राज्य सरकार द्वारा गुजरात में प्रथम वक्त एपीएल 1 कार्डधारकों ने जेनी संख्या लगभग 60 लाख छे अने वस्तीनी दृष्टिए जोवा जाइए तो 2.5 करोड़ लोकोनो समावेश एमां थाय छे एवा 60 लाख नॉन एनएफएसए एपीएल 1 कार्डधारकों ने 13 एप्रिल थी घऊं चोखा कांड दाळ ए आपवानुं राज्य सरकार द्वारा आयोजन करवामां आवेल हतुं। मने आपने जणावता संतोष थाय छे के अत्यार सुधीमां 60 लाख कुटुंबों पैकी 45 लाख कुटुंबों जे मोटा भागे मध्यम वर्गना छे ए लोको पोतानुं राशन 17,000 करता पण वधारे सस्ता अनाजनी दुकान उपरथी लई गया छे। हजू पण कोई साचो लाभार्थी 60 लाख एपीएल 1 पैकीना बाकी रही गया हशे अने एमने जो राशननी जरूरियात हशे तो हजू पण एमने राशन पूरू पाडवामां आवशे एटले कि आजे आ प्रक्रिया बंद करवामां आवती नथी। अगाउ अमे जाहेरात करी हती कि 13, 14, 15, 16 अने 17 એમ 5 દિવસોમાં છેલ્લા આંકડા પ્રમાણે એપીએલ 1નું અનાજનું વિતરણ કરવામાં આવશે। સુંદર કામગીરી આમાં થયેલી છે। 45 લાખ કરતાં વધુ કુટુંબો એનો લાભ પણ લઈ ચૂક્યા છે। ઘણા લોકોએ માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીની જે લાગણી અને વિનંતી હતી કે જે લોકો સુખી સંપન્ન છે, સમૃદ્ધ લોકો છે, એ સમાજના બીજા જરૂરિયાતમંદ એપીએલ 1 કુટુંબોની તરફેણમાં પોતાનો અનાજ મેળવવાનો હક એ જતો કરે એને માન આપીને ઘણી જગ્યાએ ઘણા લોકોએ સ્વેચ્છાએ પોતાનો હક જતો કર્યો છે। છતાં પણ જે લોકો પણ હજુ પણ બાકી રહી ગયા હશે અને એમની
अनाज मेळवानी इच्छा हशे तो सस्ता अनाजनी दुकानो उपरथी आवतार दिवसोमां अनाज पूरु पाड़वानी कार्यवाही चालू राखवामां आवशे। गईकाले माननीय मुख्यमंत्री श्री विजयभाई रूपाणीनी सूचनाथी एक विडियो कॉन्फरेंस अन्न अने नागरिक पुरवठा विभागना सचिव श्री मोहम्मद साहिद, वेरहाउसिंग कॉर्पोरेशनना एमडी श्री संजय नंदन अने मारा द्वारा अमरेली, भावनगर, जूनागढ़, जामनगर अने राजकोट ए पांच जिल्लामां आवेली ऑयल मिल्सना लोको साथे करवामां आवेल जेमां नाफेडना अधिकारीओ पण हाजर रह्या हता। सिंग तेल नी मांग बाजार में जे छे ए प्रमाणे सिंग तेल नो पुरवठो जळवाई रहे मगफळी मेळवामां ऑयल मिलर्स ने कोई पण प्रकारनी तकलीफ न थाय अने साथोसाथ बाजार में भाव पण ए मेंटेन थाय एना माटेनी आ बधी मथामण अमारी हती अने कलेक्टरशीओ साथे ऑयल मिलर्स साथे आ विडियो कॉन्फरन्सना माध्यमथी नाफेड में स्टॉक पोजिशन केटली मिलों चालू छे, केटली मिलों बंद छे, बंद मिलों ने चालू करवा माटे कया कया पड़कारों छे, चैलेंजेस छे, इने केवी रीते दूर करी शकाय एनी विस्तृत चर्चा विचारणा गई काले करवामां आवी अने मने एवी श्रद्धा छे अने खातरी छे कि आवता दिवसों में सींग तेल नो पुरवठो बाजार में पूर्ववत सारी रीते जळवाई रहेशे अने एनो दाम पण नियंत्रित रहेशे। माननीय मुख्यमंत्रीशीए जाहेरात करी हती तेम 15 एप्रिल थी मार्केटिंग यार्ड में खेडूतोनी जे कंई पण अनाज वगैरह छे ए बधुनु वेचाण शुरू करवामां आवशे। परम दिवसे मैं आपने कीधुं हतुं कि 39 जेटला मार्केटिंग यार्ड कार्यरत छे, आजे कुल 63 जेटला मार्केटिंग यार्ड समग्र राज्य में कार्यरत छे अने मात्र 2 दिवस में ज 38,873 क्विंटल खेत उत्पादन मार्केटिंग यार्ड में आवेल छे अने 38,873 क्विंटल खेत उत्पादन नुं वेचाण मार्केटिंग यार्ड ना माध्यम थी खेडूतो द्वारा थयेल छे अने खेडूतो ने अत्यारे घऊं, रायडा अने बीजा जे अन्य पाको छे एनो खूब ज सारो भाव खेडूतो ने मळी रह्यो छे। राज्य सरकार द्वारा खूब ज प्रोग्रेसिव निर्णय समयसर लेवाना कारणे खेडूतोनो जे कंई पण अन्न उत्पादन छे ए मार्केटिंग यार्ड सुधी पहोंची शक्यो छे अने एनी आपूर्ति पण राज्यमां बाजारोमां सुनिश्चित थई छे। एक जो आपने हूँ आंकड़ो आपूँ तो अत्यार सुधीमां 27,850 क्विंटल घऊं मार्केटिंग यार्डमां एनो वेचाण थयुं छे अने रायडा ए 10,206 क्विंटल अने अन्य बधाई पाको मळीने 38,873 क्विंटल खेत उत्पादन छेल्ला 2 दिवसमां मार्केटिंग यार्ड खाते आवेल छे। आजे माननीय मुख्यमंत्रीशीए अहमदाबाद शहरना तमाम संसदसभ्यशीओ, धारासभ्यशीओ साथे वीडियो कॉन्फरेंस थी संवाद कर्यो छे अने इमना विस्तारमां जे ते धारासभ्यशीओ संसदसभ्यशीओना विस्तारमां लॉकडाउननो चुस्त अमल थाय अने लोको इमनामां जो कोई पण जातना ताव, सर्दी, उग्रस के श्वास लेवामां तकलीफना लक्षणो जणाय तो लोको तरत ज टेस्ट करावे एना माटे लोकप्रतिनिधिओ, धारासभ्यशीओ अने संसदसभ्यशीओ सतत सचेत अने कार्यरत रहे एना माटे माननीय मुख्यमंत्रीशीए इमने अनुरोध कर्यो छे। आ वीडियो कॉन्फरेंसमां अहमदाबादना म्युनिसिपल कमिश्नर श्री विजय नेहरा अने मुख्य सचिव श्री अनिल मुकिम साहेब पण जोड़ाया हता अने एवी एक व्यूहरचना करवामां आवी छे के कोरोनाना संक्रमणने नाथवा माटे आरोग्य, पुलिस अने अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ए साथे मळीने हजू पण वधारे संकलन राखीने जे विस्तारोमां कोरोनाना केसेस व्यापक प्रमाणमां मळी आवे छे एमां हजू पण वधारे कोऑर्डिनेशनथी सघन कामगीरी करशे। माननीय मुख्यमंत्रीशीए आजे राजकोटमां जे ज्योति सीएनसी द्वारा धामण वन स्वदेशी वेंटिलेटरनुं उत्पादन चालू करवामां आवेल छे अने एमने राज्य सरकारने पण जे धामण वन वेंटिलेटर छे स्वदेशी तकनीकथी निर्मित ए डोनेट कर्युं छे। माननीय मुख्यमंत्रीशीए आजे विडियो कॉन्फरन्सना माध्यमथी
એની પણ વિગતો મેળવી હતી અને 100 વેન્ટિલેટર ગુજરાત સરકાર તરફથી માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી દિલ્હીમાં પણ મોકલવાની એમણે જાહેરાત કરી છે. આજે જો દૂધ આપૂર્તિની વાત કરીએ તો રાજ્યમાં લગભગ 46 લાખ અને 57,000 લીટર દૂધનું વિતરણ સમગ્ર રાજ્યમાં થયેલ છે. શાકભાજીમાં 74,593 ક્વિન્ટલ શાકભાજીની આવક આજે ગુજરાતના વિવિધ શાકભાજીની મંડીઓમાં થયેલ છે. જે પૈકી બટાકા 20,645 ક્વિન્ટલ, ડુંગળી 10,370 ક્વિન્ટલ, ટામેટા 6,142 ક્વિન્ટલ અને અન્ય 37,436, એમ કુલ 74,593 ક્વિન્ટલ શાકભાજીની આવક આજે ગુજરાતના માર્કેટમાં થયેલ છે. સાથોસાથ ફળની આવક પણ પૂરતા પ્રમાણમાં છે, જેનો કુલ આંકડો 10,190 ક્વિન્ટલ જેટલું થાય છે. આજે મારી પાસે આપની સાથે ચર્ચા કરવા માટે આટલી વિગતો હતી. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ.